जंग बंदी के इख्तिताम पर इसराइल का जनूबी गजा में खान यूनुस पर एक बार फिर फजाई हमला, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। दो रोज के बाद दौरान मजीद 240 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। शोहदा की मजमू तादाद 15 हजार से जायद हो गई है। इसराइली फौज के शहर के मशरक इलाकों के मकीनों को जनूब की जानब जाने की हिदायत। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज मजीद 2597 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क लौट गए। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगानियों की तादाद 4,04,909 हो गई है। FIA इमिग्रेशन की मुल्तान एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, बैरून ममालिक भीख मांगने की गरज से जाने वाले 9 मुसाफिर गिरफ्तार। खातून एजेंट भी मुल्जमान के हमरा जा रही थी। गिरफ्तार मुल्जमान में 6 खातीन और 2 मर्द शामिल। लेस्को का बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन, शादमान वन में चेकिंग के दौरान गर्ल्स हॉस्टल बिजली चोरी में मुलव्वस पाया गया, मुकदमे का अंदराज हो गया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक मुल्जमान को 5 लाख रुपए डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किया गया। और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, कौमी जूनियर हॉकी टीम लाहौर से मलेशिया के लिए रवाना। कौमी हॉकी टीम मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में मुनक्किदा हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी।